हस्बैंड का जिनकी वजह से इस बिजनेस को करने का मौका मिला। मैं इस बिजनेस को लेके बहुत नेगेटिव थी क्योंकि मेरे को भी बिजनेस में ऐसे लगता था कि लोग आते हैं चले जाते हैं, कामयाब नहीं होते और कई बार तो ऐसा होता है कि कंपनी भी भाग जाती है। बट मैं उस टाइम पे जॉब किया करती थी प्राइवेट जॉब के साथ साथ मैंने इस काम को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। पार्ट टाइम के साथ साथ मैं देखती थी कि ये काम चल रहा है नहीं चल रहा। मैंने एक बार आरती भाभी को इस काम को करते हुए देखा था, फर्स्ट लेडीज थी जिनको मैंने इस काम को करते देखा था। उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिला था कि हाँ अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि जो परमात्मा ने उन्हें दिया है वो भी मेरे पास है। मैंने इस काम को इतनी शिद्दत से किया कि मैंने अपनी जॉब को भी रिजाइन कर दिया। मैंने अपनी जॉब को रिजाइन करने में एक सेकंड नहीं लगाया। लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं उसके बाद ना कामयाब होने के 100 बहाने देते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए। कामयाब होने के लिए बहाने नहीं होते। मुझे जब डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी दिया था मैंने तब भी इस काम को किया है। मेरे पास इस काम को ना करने का कोई बहाना नहीं था। मेरी गुड़िया जिस दिन 41 दिन की थी मैं उस दिन के प्रोग्राम में प्रेजेंट थी। मेरी डिलीवरी 16 फरवरी को हुई थी, मैं 14 फरवरी को भी अपने प्रोग्राम में प्रेजेंट थी। मैंने आज तक इस काम को करने का कोई बहाना नहीं दिया। मेरी गुड़िया आज 9 महीने की है, मैं उसको लेके आज भी फील्ड में जाती हूँ। मेरी टीम मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के काम करती है और हर उस लेडीज के साथ मेरा वादा है जो मेरे साथ काम करती है, जब तक मैं उसको एक क्लास में नहीं पहुंचा देती तब तक मैं बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठूंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हेलो भैया, फील्ड वर्क करना पड़ेगा तो कर सकते हैं। नमस्कार सोते नमस्कार बोलते हैं नमस्कार। फील्ड वर्क करना पड़ेगा, फील्ड में लोगों से मिलकर नमस्कार करना पड़ेगा, उनको अपने साथ लगाना पड़ेगा तब कर आएगी। हेलो बहुत लोग सोच रहे हैं मैडम ने पकड़ की पाई, मैं हूं मैं बारी आ रही हूँ। पिछली बार मैडम को पकड़ी पाई थी, 5 लोगों को ज्वाइन कराया था। इस बार फिर भाई बिहार जा रहे हैं 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। रात की ट्रेन है मेरी, आज मैडम को पकड़ी पाने से इनकी सहेलियां पूछती है आप तो बहुत बढ़िया पा रहे हो ये कैसे। तो मैडम बोलती है कोई बात नहीं बताते हैं रात को सरिया के नहीं व्यापार। दोस्तों मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था इस बिजनेस में झूठ बोल के मुझे प्रोग्राम दिखाया गया। प्रोग्राम दिखाने के बाद गवर्नमेंट आई, उन्होंने मेरे अंदर पूरी हवा भर दी। मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस को कर दूंगा, लेकिन जब मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम देखा और मैं अपने घर गया तो मेरे माता पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे बोला कि इस व्यापार को मत करना, जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करो। क्या करो? नौकरी करो। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज तक हमने मार्केट में किसको देखा है? डॉक्टरों को देखा है, डॉक्टरों को देखा है इसलिए डॉक्टर बनते हैं। वकीलों को देखा है इसलिए वकील बनते हैं। टीचरों को देखा है इसलिए टीचर बनते हैं। दुकानदारों को देखा है इसलिए दुकानदार बनते हैं। आज के बाद नॉर्थ इंडिया में सड़कों पे घूमते हुए कारों में नेटवर्कर मिल रहे हैं इसलिए यह होता रहा होगा। दोस्तों नेटवर्कर को देखेंगे तो कौन बनेगा? नेटवर्कर बनेगा। डायमंड को देखते हैं तो डायमंड बनेंगे, सीटीसी को देखते हैं तो सीटीसी बनेंगे। आप लोग एनटीसी को देख रहे हो और जो देख रहा है वो अगले डेट में 100% एनटीसी बन के आएगा।
तो कमियां निकालनी छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने हर प्रोग्राम में कमियां निकालनी बंद करी और अच्छा अच्छा देखना शुरू किया। इसलिए मैं आज एनपीसी हूं दोस्तों, इसलिए मैं आज एनपीसी हूं। और उसके बाद दोस्तों मैं थैंक्स करता हूं डायमंड एग्जीक्यूटिव जो नॉर्थ इंडिया के सबसे पहले डायमंड बने हुए हैं, नॉर्थ इंडिया के सबसे पहले डायमंड। हेलो, आज हमारे बीच में बैठे हैं लेकिन आपकी कालिया कम है उनके लिए। उनके बताए रास्ते में उनके सिस्टम से उनसे पैसों के दम चल रहे हैं, इसलिए अचीवमेंट हो रही है। उसके बाद इस बिजनेस में आने के बाद हर बंदा एक बार डीमोटिवेट जरूर होता है। हेलो, हर बंदा जिंदगी में इस फील्ड में भी एक बार उसका मन जरूर करता है यार कहां फंस गया यार। कईयों के मन में तो आ रही होगी इस फील्ड में जाने के बाद यार कहां फंस गया, ऐसा है कि नहीं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो दोस्त, आप बिल्कुल सही रास्ते।